719 नंबर दिए गए हैं। हम आप सभी जानते हैं कि नीट का जो एग्जाम होता है प्लस फोर माइनस वन मार्क्स होता है, मतलब अगर एक सही होगा तो प्लस फोर मार्क्स मिलेगा, अगर गलत होगा तो माइनस वन। किस आधार पे एनटीए ने 718 मार्क्स दिया, किस आधार पे एनटीए ने 716 मार्क्स दिया। दूसरी हमारी बड़ी मांग सीबीआई की मांग है, साथ ही साथ हम सभी जानते हैं एनटीआई पल्ला अपना झाड़ लेगा जैसे ही एमसीआई के पास जाएगा। एमसीआई क्या है अपना, एमसीआई काउंसलिंग का पूरा काम देखती है, अगर एमसीआई के पास ये रिजल्ट चला जाता है तो फिर एनटीए अपना पल्ला झाड़ लेगी और बच्चे फिर दर पदर दौड़ेंगे और अपनी काउंसलिंग कराएंगे। तो हमारी मांग है विद्यार्थी परिषद की ओर से पूरे देश भर में आह्वान किया गया है कि एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और आज हम इसी के निमित्त घंटाघर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का जो अनियमितताएं हो रही उनके खिलाफ, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल उनसे है कि एनटीए ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ क्यों उनका साथ दे रही है, क्योंकि आखिरकार रिजल्ट जब देना था आपको 15 दिन पहले आपने क्यों हड़बड़ी में रिजल्ट निकाला। दूसरी बड़ी बात जो हम कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद से, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एमसीआई को काउंसलिंग स्टे लगाना चाहिए, किसी भी छात्र का काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, ये विद्यार्थी परिषद से मांग करते हैं और आज हम प्रदर्शन भी करने आए हैं। पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के, नाम रोहित पांडे।